यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमके आर्ट हिंदी इंग्लिश में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो हमने इससे पहले पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे हम लोग आ गए हैं। कहने का मतलब इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट हम कर चुके हैं। अब हम लोग आज बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, ठीक है? चलिए करते हैं इसकी शुरुआत। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहचान देखेंगे इसकी। ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे तथा निश्चित व अनिश्चित समय भी दिया होता है, वहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। देखिए, यहाँ पर निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। जो लोग हमारे वीडियो को निरंतर देख रहे हैं तो निश्चित व अनिश्चित में उन्हें अंतर पता होगा, लेकिन फिर भी हम जो नए हमारे सब्सक्राइबर हमसे जुड़े हैं, हम उनको बता देना चाहते हैं कि निश्चित वह समय होता है जिसमें एक निश्चित अवधि बताई गई हो। अब यहाँ पर अगर अनिश्चित की बात की जाए तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स में बता देते हैं, जहाँ घंटा, मिनट या सेकंड लिखा हो वहाँ पर हम उसको अनिश्चित मानते हैं। लेकिन इसमें आप बजे ना शामिल करें। क्या ना शामिल करें? बजे। बजे का मतलब ये होता है कि अगर हम बजे इसमें शामिल कर लेते हैं तो बजे एक निश्चित हो जाता है, जैसे 2 बजे, 3 बजे, तो ये निश्चित हो जाता है, ठीक है? तो चलिए हम इसको, इसके अफर्मेटिव के सूत्र को देखते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर बीन, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर्म में से एक चीज, फिर आपका आरपी बोले तो रेस्ट पार्ट आएगा, ठीक है? चलिए इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल सेम पोजिशन में, इसी तरीके से जैसे इसमें बना हुआ है। तो भाई हम सब्जेक्ट रखते हैं, आपका सेंटेंस है वह 1 घंटे से पढ़ रहा था, तो वह को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? ही। सब हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? हैड। फिर आपका क्या आएगा? बीन। यहाँ तक समझ में आ गया होगा? फिर उसके बाद मैन वर्ब जो भी हो उसके आईएनजी फॉर्म लगेगी, तो पढ़ना, पढ़ना का मतलब, पढ़ने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रीड। रीड मीन्स पढ़ना। अब इसके साथ क्या लग जाएगा? आईएनजी, रीडिंग। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो दिया है नहीं कि क्या पढ़ रहा है, तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो हम लोग सिंस और फॉर पर पहुँच जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? कितनी देर से? 1 घंटा। जैसा कि हमने बताया कि निश्चित समय के लिए घंटा, मिनट और सेकंड का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हम फॉर का यूज़ कर लेंगे। फॉर कितनी देर से? 1 घंटे से। 1 आवर, 1 घंटे से, ठीक है? दूसरा सेंटेंस का देखते हैं, क्या लिखा है? वह सुबह से अपना काम कर रहा था, तो ही आएगा, फिर आपका हैड, फिर आपका बीन। ये तो एक फॉर्मेशन हो गया ना परमेटो का। तो यहाँ पर काम करना यानी डू माने करना होता है, आईएनजी लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? डूइंग। क्या? अपना यानी हिज। क्या? कार यानी वर्क। कितनी देर से? सुबह से। अब सुबह जो है वो एक निश्चित समय होता है। कैसा समय होता है? निश्चित समय होता है। तो क्या हो जाएगा? सिंस सुबह से, तो मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ये आपका सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। अफर्मेटिव इस तरीके से ही बनेंगे, ठीक है? जिनको भी अफर्मेटिव में डाउट हो वो इससे डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? चलते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो नेगेटिव सेंटेंस में आपके सामने सेंटेंस दिए हुए हैं, उनको देखेंगे। तो 2 सेंटेंस आपके सामने दिए हुए हैं। तो पहला सेंटेंस आपके सामने दिया हुआ है, वह 1 घंटे से खाना नहीं खा रहा था। क्या सेंटेंस दिया हुआ है? वह 1 घंटे से खाना नहीं खा रहा था। कुछ नहीं, आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाए उसके बाद नॉट लगा दो, बाकी सेम पोजीशन। ही हैड, जैसे हेल्पिंग वर्ब मिल गई आप नॉट लगा दो, यानी यहाँ आप लिख लो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। तो ही हैड नॉट, फिर आपका बीन आएगा, ही आएगा, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, खाने को ईट बोलते हैं,
ठीक है, आईएनजी लग जाएगा, क्या हो जाएगा, ईटिंग, क्या फूड, क्या खा रहा है भाई, फूड खा रहा है। तो ही हैड नॉट बीन ईटिंग फूड, कब से, 1 घंटे से, फॉर लगेगा क्योंकि ये निश्चित नहीं है, फॉर 1 आवर, 1 घंटे से। इसके बाद हम इसके नीचे वाला सेंटेंस देखते हैं, क्या लिखा है, बच्चे मैदान में सुबह से नहीं खेल रहे थे, तो लिखेंगे द चिल्ड्रेन, एक से ज़्यादा ना, द चिल्ड्रेन एक होता तो चाइल्ड, द चिल्ड्रेन, इसमें हेल्पिंग वर्ब एक ही हैड, तो हैड ही लगाएंगे, द चिल्ड्रेन हैड नॉट, फिर बीन, खेल रहे हैं यानी प्ले, प्ले का मतलब होता है खेलना, आईएनजी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग, तो क्या बन जाएगा, द चिल्ड्रेन हैड नॉट बीन प्लेइंग, कितनी देर से, सुबह से, सुबह एक निश्चित समय है तो आप लिखेंगे सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, और ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप देखेंगे कि इसमें शुरुआत में क्या लगा है, क्या तुम 2005 से यहाँ रह रहे थे, अब क्या लगा है तो आपको पता नहीं है, पर हम आपको बता दें कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से, या आप लिख लो, वो सब्जेक्ट से पहले लिखी जाती है। ठीक है, सब्जेक्ट से पहले लिखी जाती है, जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, एक ही हेल्पिंग वर्ब, दूसरी कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हैड, अब यहाँ हैड के बाद क्या लिखेंगे, यू, हैड यू बीन, अब यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, हैड यू बीन क्या कर रहे हैं, रहना, लिव माने रहना होता है, आईएनजी लग जाएगा क्या हो जाएगा, लिविंग, हैड यू बीन लिविंग कहाँ, यहाँ, हेयर, हैड यू बीन लिविंग हेयर, कब से, 2005 से, तो ये 2005 एक निश्चित समय है, तो निश्चित समय के लिए हम सेंस का प्रयोग करेंगे, सेंस 2005, और फिर आपका क्वेश्चन मार्क, बात समझ में आ गई। इसके बाद इसके अगले पार्ट के सेंटेंस की तरफ चलते हैं, क्या मोर 2 घंटे से जंगल में नाच रहा था, ठीक है भैया, मोर है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैड का ही प्रयोग करते हैं, तो लिखेंगे हैड द पीकॉक, पीकॉक, हैड द पीकॉक बीन क्या कर रहा है, डांस कर रहा है, इसके साथ आईएनजी लग जाएगा क्या हो जाएगा, डांसिंग, कहाँ, इन द फॉरेस्ट, इन फॉरेस्ट, कब से, 2 घंटे से, यह निश्चित नहीं है 2 घंटा, फॉर 2 आवर्स, यही लिख देते हैं आवर्स, 1 घंटे के लिए आवर, 2 घंटे के लिए आवर्स, लास्ट में क्या, क्वेश्चन मार्क, बात समझ में आ गई। तो ये था इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब देखेंगे इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, तो देखते हैं इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस को, ये इंट्रोगेटिव की तरह है, आप क्या करना है, टेंस इंट्रोगेटिव रहेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, फिर वही बात, हैड ही आपका इसका एक ही दिया हुआ है, वही आपका है हैड, हैड, अब इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा हैड ही, अब जैसे सब्जेक्ट में नॉट लगा लो, नॉट बीन, हैड ही नॉट बीन, लिखने को क्या बोलते हैं, राइट, आईएनजी लग जाएगा क्या हो जाएगा, राइटिंग, तो क्या हो जाएगा, हैड ही नॉट बीन राइटिंग, कब से, 1 घंटे से, फॉर 1 आवर, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या वह 1 घंटे से नहीं लिख रहा था, तो क्या बनेगा, हैड ही नॉट बीन राइटिंग फॉर 1 आवर, ठीक है, इसके बाद अगला बनाएंगे, क्या तुम सुबह से नहीं टहल रहे थे, तो इसको हैड आ जाएगा भैया, बिल्कुल सिंपल सी बात है, हैड ही आना है, तो हैड आ गया, यू आ गया, बिल्कुल सब्जेक्ट रख लिया, नॉट लगा लो, और टहलने को वॉक बोलते हैं, अब वॉक के साथ आएंगे लग जाएंगे क्या हो जाएगा, वॉकिंग, हैड यू, सॉरी यहाँ पर बीन छूट गया, हम बीन लगा लेते हैं, हैड यू नॉट बीन,
हैड यू नॉट बीन वॉकिंग, कब से? सिंस मॉर्निंग, MORNING मॉर्निंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए अब इसके नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं और इनको हम किस तरीके से बनाएंगे इस पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, तुम वहाँ 2 घंटे से क्या कर रहे हो? जो हमारी सीरीज को, टेंस की सीरीज को लगातार फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि हम सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव वर्ड को ढूंढते हैं। ये जो कहाँ, क्यों, कैसे, कब दिया होता है, इसकी पहले हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये आपको मिल गया, इसी की अंग्रेजी को पहले लिख लेते हैं। तो क्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? व्हाट। अब जरा इधर आ जाओ, सेकंड टाइप, सेकंड टाइप वर्ड आपने ले लिया यानी व्हाट, ठीक है। जब आपने व्हाट ले लिया तो इसके बाद आपका बचा क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम किस तरह से बनाएंगे? इंट्रोगेटिव की तरह बनाएंगे। तुम है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पहले तो हैड ही आएगा, हैड, क्योंकि वो तो आप चाहे सिंगुलर और प्लूरल हो, इसमें हैड का ही यूज़ होता है। तो क्या हो जाएगा? व्हाट हैड यू, और फिर आपका बीन, व्हाट हैड यू बीन, डू माने करना होता है, आईएनजी लग जाएगा, डूइंग, कितनी देर से, नहीं यहाँ पर वहाँ छूट गया, व्हाट हैड यू बीन डूइंग देयर, देयर का मतलब वहाँ, कितनी देर से, 2 घंटे से, निश्चित नहीं है, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, बात समझ में आ गई। और लास्ट में क्या आपका क्वेश्चन मार्क। इसका अगला वाला बनाते हैं, अगला टेंस का सेंटेंस क्या लिखा है? वह सुबह से क्या कर रहा था? वह सुबह से क्या कर रहा था? तो क्या की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? व्हाट। ओके, आप हैड लगाएंगे, इंट्रोगेटिव करना है, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, वो आ गया भाई, फिर बीन आएगा, ये भी आ गया, फिर आपका करने को डू बोलते हैं, आईएनजी लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? डूइंग। अब कब से? सुबह से, तो कहेंगे सिंस, सुबह का निश्चित समय है, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो ये आपका सेंटेंस बन गया। चलिए इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव किस तरीके से बनेंगे? इसमें कुछ नहीं है, आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, रहता सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है पर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। हम एक एक पार्ट को इसलिए बताते हैं ताकि आप जब इस टेंस की यानी आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की अगर अभ्यास करें तो आपसे कोई भी सेंटेंस छूटे ना, कोई भी सेंटेंस ऐसा ना हो जो आपसे ना बने। इसीलिए हम इसके 6 पार्ट होते हैं और 6 के 6 पार्टों की हम चर्चा करते हैं, बात समझ में आ गई। तो पहले सेंटेंस को देखते हैं, वह सुबह से क्यों नहीं सो रहा था? क्योंकि अंग्रेजी उठा लो भाई। अब क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है? व्हाट, नहीं व्हाई, व्हाई। अब व्हाई हो गया, अब सेंटेंस को क्या करना है? इंट्रोगेटिव, तो यानी हेड आएगा, फिर आपका क्या सब्जेक्ट आएगा, और जैसे सब्जेक्ट मिला नॉट लगा लो, फिर बीन, क्या हो जाएगा? वाई हैड ही नॉट बीन, स्लीप माने सोना होता है, आईएनजी हो जाएगा, क्या होगा? स्लीपिंग। कब से? सुबह से, यानी सिंस, सिंस क्यों? क्योंकि निश्चित है, सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग। अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, इसका अगला जो सेंटेंस है, रोहन 1 घंटे से क्यों नहीं जा रहा था? क्यों नहीं जा रहा था, क्यों को उठाएंगे, अंग्रेजी लिखेंगे भाई, वाई, हैड तो लगना ही लगना, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा रोहन, फिर आपका नॉट लगेगा, जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा गया है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वाई हैड रोहन नॉट बीन, जाने को अंग्रेजी में गो, आईएनजी लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? गोइंग, क्या हो जाएगा? गोइंग। व्हाई हैड रोहन नॉट बीन गोइंग, कितनी देर से? 1 घंटे से, तो 1 घंटे के लिए फॉर लगेगा, सिंस, गेस करो, हाँ सही बताया, फॉर का यूज होगा, फॉर 1 आवर, और लास्ट में क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। यहाँ क्वेश्चन मार्क में छोड़ दे, देखो क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव है, क्योंकि कब, कहाँ, क्या, कैसे, क्यों, ये चाहे शुरुआत में हो चाहे बीच में हो, सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है, उसके अंत में क्वेश्चन मार्क जल लगता है, ठीक है।
होपफुली आपको ये टेंस समझ में आया होगा। अगर आपको ये टेंस समझ में आया है, आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये टेंस में या सेंटेंस बनाने में जो दिक्कत होती है वो दिक्कत फिर ना हो। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।